हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सक्षमता परीक्षा 2024 सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। शिक्षकों की रिक्ति और विद्यालय पदस्थापन को लेकर महत्वपूर्ण शिक्षा सूचना जो है शिक्षा विभाग की तरफ से इस लेटर के माध्यम से सूचना के माध्यम से दिया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन, आपके ज़िले से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर, नोटिफिकेशन या सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं संबंधित सूचना के विषय में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति की होगी गणना। 15 से 22 अप्रैल तक जिलों को बुलाया गया था इस विषय में। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर नए सिरे से जिलों में रिक्ति की गणना होगी। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्कूलवार रिक्त पदों की गणना करने के दौरान सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी चिन्हित किया जाएगा, ताकि यह भी जानकारी हर जिले को रहे कि उनके यहाँ किस स्कूल में कितने शिक्षक को नए जगह पर पदस्थापित करना है। इसको लेकर विभाग ने जिलों का दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग ने नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले के स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां भी मांगी थी। इसके लिए 15 से 22 अप्रैल तक प्रमंडलवार अलग अलग दिनों में जिलों को विभाग में बुलाया गया था। इसी दौरान जिलों ने विभाग को बताया कि सक्षमता परीक्षा में किन स्कूलों के कितने शिक्षक उत्तीर्ण किए गए हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। नए स्कूल में पदस्थापन के बाद उनका वर्तमान का पद रिक्त हो जाएगा, इसलिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदों को भी गणना आवश्यक है। इसके बाद तय किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से जानकारी सभी जिलों को दी जाएगी। विवरणी प्राप्त होने के बाद नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।